हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आप सब लोगों के सामने अभी मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसको मैं क्वेश्चन आंसर में मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके बेस पे जो हम लोगों ने लेक्चर अभी तक दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेडिमेंट्री जियोलॉजी से, और यहाँ पर मैं हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स, उनके आपके बेसिकली उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा विद फैक्ट्स कि उसका आंसर ये ऐसे क्यों है, और उसका आंसर जो अभी तक मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर्ड किए हैं उनके बेस पे भी कुछ क्वेश्चन बनाएं जो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो चलिए अब इसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और डिस्कशन पे जाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ए सैंड स्टोन विथ लेस देन मैट्रिक्स 15% कंटेंट इज़ नॉन एज सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, ग्रे वैके और एरेनाइट। तो चलिए पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में आप लोगों को पढ़ाया था, एरेनाइट वो होता है जिसमें कि आपका मैट्रिक्स का परसेंटेज लेस देन 50% हो जाता है, वैके हम तब बोलते हैं जब 15 से 75% मैट्रिक्स रहता है, मड रॉक जो कि आपका मोर देन 75% मैट्रिक्स रहे। मैट्रिक्स का मतलब है क्ले, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्ले से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो क्ले की परसेंटेज के बेस पे। तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका एरेनाइट, ठीक है। तो एरेनाइट इसका राइट आंसर है। इसके बेस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ द फेल्सपार इज लेस देन 25%, सो व्हाट इज दैट इज नोन एज व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉक। तो लेस देन 25% में क्या आ जाएगा आपका मैच्योर एरेनाइट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोक्वार्ट्जाइट भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्वार्ट्स वैके भी बोल सकते हैं, केमिकली मैच्योर। ओके, अगर आपका परसेंटेज ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो मोर देन 15% हो जाए तो। देन मैच द ग्रुप वन टू द ग्रुप टू। तो यहाँ पर आप हम देखते हैं कि सैंडस्टोन का बेसिकली कंपोजिशन होता है क्वार्ट्स, फेल्सपार एंड माइका। ओके, तो यहाँ आप ग्रुप बी में देखते हैं, तो यहाँ पर क्वार्ट्स, फेल्सपार, माइका से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आर फेल्सपार रिच। तो क्वार्ट्स सैंडस्टोन हमारा फेल्सपार रिच हो सकता है। देन सेकेंड ऑप्शन इज आर्कोस। तो आर्कोस हम उन रॉक्स को बोलते हैं जिनमें ग्रेन साइज हमारा सैंड के साइज का हो, तो सैंड साइज के लिए हमारा ऑप्शन क्यू राइट है, क्योंकि इसका जो साइज है दैट इज़ 2 mm एंड इक्विवेलेंट टू द सैंड। ओके, देन लाइमस्टोन जैसा हम सब लोगों को पता है ये प्रेसिपिटेशन से बनता है, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल में बेसिकली कंपोजिशन आपका फाइन ग्रेन रहता है, जिसको हम सिल्ट या क्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेस देन 1/16 mm साइज का जो ग्रेन होता है उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं उसको, उस मटेरियल को सेल बोलते हैं। सो दिस इज द मैचिंग ऑफ दिस आंसर। तो यहाँ पर मैं वेंसवर्थ स्केल आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वेंसवर्थ स्केल में हम लोग देख सकते हैं मोर देन 256 बोल्डर, देन आपका जो सैंड साइज है कोर सैंड आपका कितने से 0.5 से शुरू होता है, ठीक है ना, ये मिलीमीटर 1/2 से 0.5, ठीक है ना। देन इसके बाद आपका मीडियम सैंड, फाइन सैंड, देन आपका सिल्ट एंड क्ले का साइज लेस देन 0.039 mm। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इस क्लासिफिकेशन से, सपोज दैट कि आपका फेल्सपार का जो परसेंटेज है दैट इज़ मोर देन 25%। ओके, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं आर्कोसिस, या हम इसको फेल्सपार एरेनाइट भी बोल सकते हैं। और अगर उसमें जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का परसेंटेज 15% से ज़्यादा है तो उसको फेल्सपार वैके भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर कंपोज कर सकता है, आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो लेस स्टार्ट, हेरिंग बोन क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन इंडिकेट ग्लेशियो फ्लूवियल इन्वायरमेंट। नहीं, हेरिंग बोन आपके टाइडल इन्वायरमेंट में बनते हैं, ठीक है ना, ये मैंने सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। डोन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइनर ग्रेन एट द टॉप एंड कोर्सर ग्रेन एट द बॉटम। फाइनर ग्रेन एट द टॉप एंड बॉटम ग्रेन एट द
बॉटम। सो बेसिकली फाइन ग्रेन नीचे रहते हैं और टॉप पे आपके फाइनर ग्रेन चले जाते हैं, ठीक है ना। देन ड्रॉप स्टोन ऑफ द ग्लेशियल ओरिजिन। तो ड्रॉप स्टोन हमारे दो तरह की रॉक में बनता है, ग्लेशियल से भी बनता है प्लस कास्ट टोपोग्राफी में भी बनता है ड्रॉप स्टोन। देन ब्यूमस सीक्वेंस इंडिकेट टर्बिडाइट डिपॉजिट, इट इज़ करेक्ट। सो हमारे यहाँ पे दो करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ वन। ओके, जैसे कि मैं हेरिंग बोन बोल रहा था आप लोगों को कि हेरिंग बोन जो है वो आपके टाइडल करंट्स में बेसिकली फॉर्म होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपको सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर की पीपीटी में वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कुड बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। सो यहाँ पे प्लेनर बेडिंग स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल रिपर मार्क्स नहीं, क्योंकि एसिमेट्रिकल रिपल मार्क्स आपके काइनेमेटिक्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, या पैलियो करंट एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स जो है वो हमारे टॉप एंड बॉटम के लिए यूज होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स हमारे टॉप पे बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स इज मोर अप्रोप्रिएट देन द एसिमेट्रिकल रिपल मार्क्स। ओके, तो सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स ही हमारे टॉप एंड बॉटम को बताते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारे टेबुलर प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं, तो टेबुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो पैलियोक्रेंट एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट ऑक्सीलेशन रिपल्स आर फॉर्म, एलुवियम, बीच, डीप और डेजर्ट। तो ऑक्सीलेशन जो है हमारा वो एलुवियम में होता है बेसिकली, जो कि हमारे रिपल फॉर्म होते हैं। तो जब रिपल फॉर्म होते हैं तो उन्हीं में वेव्स क्या करती हैं, ऑक्सीलेट करती हैं और वो सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स डेवलप करती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यह, तो राइट आंसर इज़ द फर्स्ट वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ऑक्सीलेशन और वेव रिपल मार्क्स, करंट रिपल मार्क्स, और इनको हम सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स भी बोल सकते हैं और वर्टेक्स रिपल मार्क्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल साइज, मीन्स कोर्स से फाइन की तरफ हमें जाना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेस ऑन द ग्रेन साइज। तो इसको हम पुट कर सकते हैं जैसे सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, कॉन्ग्लोमेट, नो, सैंड स्टोन, कॉन्ग्लोमेट, सिल्ट स्टोन, नो, देन कॉन्ग्लोमेट हाइएस्ट, देन सैंड स्टोन इंटरमीडिएट, देन सिल्ट इज फाइनेस्ट। सो दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस, और यस दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस, बिकॉज हियर इज द कोर्सर वन, कोर्सेस्ट वन, एंड हियर इज द फाइनेस्ट वन। ओके, देन ग्रेडेड बेडिंग इज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ, तो ग्रेडेड बेडिंग जो है बेसिकली वो कहाँ पर डिपॉजिट होती है, रिवर में नहीं डिपॉजिट होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट में भी, ब्लोइंग विंड में भी नहीं होती है, मूविंग आइस में भी नहीं। तो राइट आंसर इज टर्बिडिटी करंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ग्रेडेड बेडिंग का। तो ग्रेडेड बेडिंग के लिए मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि वर्टिकल चेंज इन द ग्रेन साइज, जब हमारा कोर्सर ऊपर रहे और फाइनर नीचे, सॉरी कोर्सर सबसे नीचे रहेगा और फाइनर उसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज फाइनिंग अपवर्ड ड्यू टू द डेंसिटी सेटलमेंट। तो कोर्स सबसे नीचे रहेगा और फाइन सबसे ऊपर रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो वैनिंग फेस में ड्यू टू टर्बिडिटी ये फॉर्म होते हैं। ओके, देन विद रिस्पेक्ट टू मेटामॉर्फिज्म व्हाट इज डायजेनेसिस। तो डायजेनेसिस के लिए बेसिकली क्या फॉर्म होता है कि हमारे डायजेनेसिस वो चेंजेस होते हैं जो कि लो टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉर्म होते हैं, ये हम सब लोगों को पता है। और इनका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 110 डिग्री से 220 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं डायजेनेसिस के लेक्चर में आप लोगों को बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए पढ़ते हैं, मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग, टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर, नो, देन टेक प्लेस एट ग्रेटर डेप्थ दैट वी आर विद द मेंटल, नो। सो द राइट आंसर इज द सेकेंड वन। तो आप यहाँ पे भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि डायजेनेसिस वो चेंजेस हैं सेडिमेंट्स में जो कि डिपोजिशन और लिथिफिकेशन के बीच में होते हैं, जैसे कि मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, 120 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेप्थ रहती है 4 से 7 किलोमीटर की डेप्थ इसमें रहती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाटर इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ सेडिमेंट, द ग्रेन साइज ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट मोस्टली क्लोजली इंडिकेट। तो क्या इंडिकेट करता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द वेदरिंग सोर्स रॉक एट आउटक्रॉप, नो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द टाइम ऑफ इरोजन अंटिल डिपोजिशन, नो, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द मोमेंट द सेडिमेंट सेटल्ड इन द बॉटम, यस एग्जैक्टली, क्योंकि इसका रीजन, देन नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट कीप सेडिमेंट इन सस्पेंशन, नो, ये भी नहीं हम बता सकते। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल का साइज बढ़ता है तो उनका डिपोजिशनल कंडीशन भी अलग होती है,
ठीक है ना। तो हाई वेलोसिटी का मोमेंट वाटर ही उसको जो है वो सेटल करने में बता सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ मैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज पसंद आएगी और आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग और कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं इसमें, या मैं किसी और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए, और तो मैं उस सजेशन को एक्सेप्ट करूँगा और अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए आप मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं नए लेक्चर के साथ फिर से जल्दी ही प्रस्तुत होऊंगा आप सब लोगों के सामने। गॉड ब्लेस यू ऑल।